ठीक है बच्चों अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर फोर्टीन में एग्जाम्पल नंबर फोर्टीन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट एट लेटर्स अरेंजमेंट्स डेट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर ये डॉटर में कितने लेटर्स हैं एट लेटर्स हैं देख लो टू फोर सिक्स एट सो डेट ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर ऑल द वॉवल्स डू नॉट अकर टूगेदर इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एट लेटर्स अरेंजमेंट जो डॉटर वर्ड है ना इस डॉटर वर्ड से जो डॉटर वर्ड में जो एट लेटर्स है इसको ऑल एट ए टाइम लेके तुम कितने परमोटेशंस बना सकते हो इन एट लेटर्स को ऑल पॉसिबल वेज़ में कितने ऑल पॉसिबल वेज में तुम अरेंज कर सकते हो पहले तो ये बोल रहा है उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसके बाद तुम ये बताओ कि फिर नंबर ऑफ़ परमोटेशन फाइंड आउट करो जिसमें इसमें डॉटर में जो वॉवेल्स हैं वो इकट्ठे आने चाहिए और एक तो ये बोल रहा है कि पहले वो परमोटेशन बताओ जिसमें जो डॉटर के बॉवेल्स है वो इकट्ठे हो दूसरा क्या बोला ऑल बॉबल्स डू नॉट अकट टूगेदर तो सबसे पहले तुम ऐसे देखो डॉटर लिखा है डी ए यू जी एच टी ई आर इसमें टोटल क्या है एट डिफरेंट लेटर्स है इसको देखो एट डिफरेंट लेटर्स है एट डिफरेंट लेटर्स है ये आ रही बात समझ में अब इस एट डिफरेंट लेटर्स को ऑल एट ए टाइम लेके अगर परम्यूट करोगे तो कितने परमोटेशन होंगे एट परमोटेशन होंगे तो हमारा पहला आंसर तो मिल गया फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट एट लेटर्स परमोटेशन ठीक है तो ऐट लेटर्स परमोटेशन अगर हमें निकालना है मतलब डॉटर के वर्ड को ऑल पॉसिबल वे में अरेंज करोगे तो ऐट फैक्टोरियल परमोटेशन होंगे अब तुम अपने दिमाग में ना थोड़ा सा मतलब ऐसे सोचो कि ये जो एट फैक्टोरियल परमोटेशन है इसमें तो ऑल पॉसिबल परमोटेशन आ गए उसमें वो भी परमोटेशन आ गए जिसमें इस अच्छा उससे भी पहले इसमें वॉवल्स कौन कौन से हैं एक तो ए है वॉवल एक तो यू है वॉवल एक है ई वॉवल ये तीन वॉवल्स हैं अगर हम वॉवल्स की बात करें तो वॉवल्स कितने हैं एक तो ए हो गया एक यू हो गया एक ये ई e, तीन वॉवल्स हैं ठीक है अब तुम ऐसे सोचो अगर तुम इस डॉटर के लेटर को ऑल पॉसिबल वे में अरेंज करोगे तो क्या होगा इसमें ऐसे भी परमोटेशंस आ जाएंगे मतलब ऐसे भी परमोटेशन होंगे जिसमें ये तीन जो वॉवल्स हैं ये इकट्ठे होंगे इसमें ऐसे भी परमोटेशन होंगे इट इस एट फैक्टोरियल परमोटेशन में ऐसे भी परमोटेशन होंगे जिसमें ये तीनों वॉवल्स इकट्ठे होंगे और ऐसे भी परमोटेशन होंगे जिसमें ये तीनों वॉवल्स अलग अलग होंगे ऐसे भी परमोटेशन होंगे जिसमें दो वॉवल्स इकट्ठे होंगे तीसरा वॉवेल अलग होगा ऐसे भी परमोटेशन होंगे जिसमें तीनों वॉवल्स अलग अलग होंगे

कि ये जो तीन वॉवल्स है ना इसको हमने एक साथ ऐसे एक ब्लॉक ऑफ लेटर मान लिया इस ए यू और ई e, इसको हमने एक सिंगल लेटर मान लिया तो अगर इसको हमने सिंगल लेटर मान लिया तो फिर हमारे पास कितने लेटर्स बचे डी ए को तो मान लिया यू जी एच टी और आर ठीक है ये कितने लेटर हो गए दो चार छः अच्छा इसमें यू नहीं ले सकते ना या देखो डी जी एच टी आर कितने लेटर बच गए अगर हमने ए यू और ई इसको बाहर निकाल दिया बाहर निकालने के बाद इसे हमने एक ब्लॉक में इसको बंद कर दिया फिर ऐसे बोलो कि इसको एक साथ इकट्ठे हमने बांध दिया इन तीनों लेटर्स को ठीक है और इसको या फिर ऐसे बोलो कि इसको हमने एक सिंगल लेटर बोल दिया तो अगर ए यू ई को सिंगल लेटर बोला तो इसको निकाल दोगे बाहर तो कितने लेटर्स बच जाएंगे दो चार फाइव लेटर्स बच गए ये फाइव लेटर्स बच गए अब इन फाइव लेटर्स को मैं ये एक जो सिंगल ब्लॉक ऑफ लेटर है इसको मिक्स कर दो तो कितने लेटर होगा इसको हमने एक सिंगल ब्लॉक ऑफ लेटर माना है तो ये हो गया मान लो कि इसको हमने एक लेटर हो गया अब इस फाइव लेटर में इस सिंगल ब्लॉक ऑफ लेटर को मिक्स कर दो तो कितने लेटर हो हो जाएंगे six letters हो जाएंगे सिक्स सिक्स लेटर्स लेटर्स अब इन six letters को ऑल एट ए टाइम लेके परम्यूट करो मेरी बात समझ में आ रही है इसको हमने ब्लॉक एक ब्लॉक ऑफ लेटर मान लिया या एक सिंगल लेटर मान लिया तो बाकी कितने लेटर्स बचे फाइव लेटर्स बचे इस फाइव लेटर्स में इस सिंगल लेटर को एक मतलब इस लेटर को ए यू ई को जिसको हमने एक सिंगल लेटर माना है इसमें मिक्स कर दो तो टोटल कितने लेटर्स हो जाएंगे सिक्स लेटर्स हो जाएंगे अब उन सिक्स लेटर्स को ऑल पॉसिबल वेज में अरेंज कर दो तो सिक्स लेटर को अगर तुम ऑल पॉसिबल वे में अरेंज करोगे तो कितने क्या मतलब अरेंजमेंट क्या होगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा सिक्स फैक्टोरियल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा सिक्स फैक्टोरियल अब उस सिक्स फैक्टोरियल में तुम ऐसे देखो सिक्स फैक्टोरियल में एक अरेंजमेंट ऐसे आएगा डी ए यू ई इसको तो हमने एक सिंगल ब्लॉक ऑफ लेटर माना है उसके बाद आएगा जी टी एच आर ऐसे आ जाएगा अगर मैंने इसको सिंगल माना एक सिंगल लेटर माना इसे फाइव लेटर माना मिक्स किया तो टोटल फाइव प्लस वन क्या हो जाएगा सिक्स अब इसको अगर मैं ऑल एट ए टाइम लेके परम्यूट करूं तो क्या होगा सिक्स फैक्टोरियल परमोटेशन होगा अब सिक्स फैक्टोरियल परमोटेशन में से एक परमोटेशन मैंने ये उठाया ठीक है एक परमोटेशन उठा लिया अब इस परमुटेशन में देखो इस परमुटेशन के क्रॉस कितने नए परमुटेशन जेनरेट हो जाएंगे इस परमुटेशन के क्रॉस बॉन्डिंग थ्री फैक्टोरियल नए परमुटेशन जेनरेट हो जाएंगे क्यों बिकॉज इस बॉक्स के अंदर ये जो तीन लेटर है ना ये आपस में थ्री फैक्टोरियल वे से परम्यूट हो जाएगा ठीक है मान लो कि अब बिना बाकी लेटर्स को डिस्टर्ब किए बिना ये डी जी टी एच आर इसको डिस्टर्ब किए बिना इस ब्लॉक के अंदर ये तीन लेटर जो है ना ये क्या हो जाएगा थ्री फैक्टोरियल वे में परम्यूट हो जाएगा खुद से जैसे मान लो ए को यहां रखा ई e को इधर रखा यू को इधर रखा तो एक नया परम्यूटेशन ऑन द होल एक नया परम्यूटेशन बन जाएगा फिर क्या है यू ए इसको देख लो क्या होगा ए यू ई ऐसे देखो तुम तो. उसको ना स्पेस लेके तुम ऐसे देखो मान लो कि टोटल कितने बन गए सिक्स फैक्टोरियल परमुटेशन बन गए। इन सिक्स फैक्टोरियल परमुटेशन से हमने एक परमुटेशन उठाया डी ए यू ई और जी एच टी आर ठीक है इससे हमने एक परमुटेशन उठाया अब इस ब्लॉक के अंदर जो ये जो तीन डिजिट है ना ये सॉरी तीन लेटर जो है आपस में थ्री फैक्टोरियल वैसे परम्यूट हो सकता है देख लो कैसे ए यू ए U E -A, E A U E U A ये क्या हो सकता है ये सिक्स वे से परम्यूट हो सकता है तो बाकी इसको डिस्टर्ब नहीं करो एक हमारा ऐसे हो जाएगा A U E एक हमने लिख दिया A E U G H T R एक ये हो गया फिर D है हमारा U A E G H T R पेड डी है हमारा यहाँ पे इसको करोगे तो क्या होगा यू ई ए जी एच टी आर पेड डी ले लो फिर यहाँ पे इसको क्या ले लो ई एच टी आर पे डी ले लो फिर ये क्या हो जाएगा ई यू ई यू ए जी एच टी आर देख लो कितने हो गए? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मतलब कहने का है कि ये जो सिक्स फैक्टोरियल परमोटेशन बनाना इस सिक्स फैक्टोरियल के एक परमुटेशन के क्रॉस नए परमुटेशन जनरेट हो जाएंगे ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा सिक्स फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल परमुटेशन आंसर हो गया इसका मतलब क्या है कि सिक्स फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल परमुटेशन में ये सिक्स फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल परमुटेशन क्या है जिसमें ऑल द बॉबल्स अकर टुगेदर ठीक है जैसे इसको तुम ऐसे कर फिर एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ हमारे पास टोटल कितने लेटर्स थे हमारे पास टोटल एट डिफरेंट लेटर्स थे उसमें कंडीशन क्या था कि वॉवेल्स टू डा टुगेदर तो हमने तीन वॉवल्स हुआ निकला ए यू ई इसको हमने अलग निकाल के एक ब्लॉक ऑफ डिजिट बोल दिया या ब्लॉक ऑफ डिजिट बोला ब्लॉक ऑफ लेटर बोल दिया उसके बाद कितने पांच लेटर बच गए इस पांच लेटर और इस ब्लॉक ऑफ लेटर को मिला के सिक्स लेटर हो गए अब इन सिक्स लेटर को ऑल एट ए टाइम परम्यूट हमने कर दिया तो कितने वे से परम्यूट कर सकते हैं सिक्स फैक्टोरियल वे से परम्यूट कर सकते हैं उन सिक्स फैक्टोरियल वे में से परमोटेशन में से हमने एक परमोटेशन उठाया परमुटेशन उठाया ठीक है थीके? अब इस परमुटेशन के क्रॉसपॉन्डिंग कितने परमुटेशन जेनरेट हो गए थ्री फैक्टोरियल परमुटेशन जेनरेट हो गए क्यों बिकॉज ये हमने एक परमुटेशन लिया ना सिक्स फैक्टोरियल परमुटेशन में से एक परमुटेशन लिया उसमें जो अंदर में ए यू ई जो है यह आपस में थ्री फैक्टोरियल वे से क्या हो सकता परम्यूट हो सकता है बिना बाकी अदर आ, इसको लेटर को डिस्टर्ब किए बिना ये आपस में कितने अंदर में कितने वे से परम्यूट हो सकता है थ्री फैक्टोरियल वे से मीन सिक्स वे से परम्यूट हो सकता है तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने हो जाएंगे सिक्स फैक्टोरियल परम्यूटेशन का एक परम्यूटेशन कितने वैसे परम्यूट हो सकता है थ्री फैक्टोरियल वैसे परम्यूट हो सकता है तो सिक्स फैक्टोरियल परम्यूटेशन कितने वैसे परम्यूट हो सकता है मतलब सिक्स फैक्टोरियल परम्यूटेशन के क्रॉसॉन्डिंग कितने नए परम्यूटेशन आ जाएंगे सिक्स फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन, इन विच वॉवल्स अकर अकर टुगेदर ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सिक्स फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल ये हमारा आंसर होगा ठीक है ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर अब आ जाओ सेकेंड पार्ट के आंसर में सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि ऑल द डू नॉट वॉवेदर तो दो ही केस बनेगा ना या तो ऐसा होगा जिसमें सारे इकट्ठे आएंगे या तो सारे वॉवल्स इकट्ठे नहीं आएंगे तो अगर तुमने टोटल परमोटेशन में से टोटल कितने परमोटेशन बन रहे हैं टोटल तो हमारे पास एट फैक्टोरियल परमोटेशन बन रहे हैं ना टोटल तो एट फैक्टोरियल परमोटेशन है इस एट फैक्टोरियल परमोटेशन को तुम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो एक उसमें जिसमें सारे बॉबल्स इकट्ठे हैं जिसमें एक एक उस पार्ट में जिसमें सारे बॉबल्स इकट्ठे नहीं है तो अगर तुमने टोटल में से उस परमुटेशन को हटा दिया जिसमें सारे बॉबिल्स इकट्ठे हैं तो फिर क्या मिल जाएगा वो परमुटेशन मिल जाएगा जिसमें बॉबल्स इकट्ठे नहीं है तो इसका तो सिंपल आंसर हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ परमोटेशमोटेशंस इन विच वॉवेल्स डू नॉट अकर टूगेदर ये किसके इक्वल होगा ये इक्वल होगा टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन परमुटेशन माइनस नंबर ऑफ परमुटेशन इन विच वॉवेल्स अकर टूगेदर तो क्या टोटल कितने परमुटेशन है 8 फैक्टोरियल उसमें से जिसमें वॉवेल सकर टुगेदर तो कितने हैं 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ठीक है तो ये हमें क्या मिल गया नेट क्या मिल गया नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन विच वॉवल्स डू नॉट अटर टुगेदर तो 8 फैक्टोरियल इसको मल्टीप्लाई कर लो देख लो क्या रहा है ये इसको तुम ऐसे कर लो 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और ये क्या हमारा थ्री फैक्टोरियल तो सिक्स के इक्वल है तो उसको 6 लिख लिया दोनों से क्या आ जाएगा? 6 हमारा आ जाएगा Common, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल हमारा कॉमन तो क्या हो जाएगा गया? तो गया ये हमें मिल गया सिक्स फाइव थर्टी फोर थ्री ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी फोर इंटू फिफ्टी क्या हो गया फिफ्टीन हंड्रेड इंटू ट्वेंटी फोर तो फिफ्टीन हंड्रेड इंटू ट्वेंटी फोर ये हो जाएगा तुम्हें थ्री सिक्स ट्रिपल जीरो आंसर हो जाएगा ये हमारा आंसर हो गया ठीक है ये बच्चों हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर फिफ्टीन भी कंप्लीट सॉरी फोर्टीन कंप्लीट अब आते हम लोग एग्जाम्पल नंबर फिफ्टीन में ठीक है बच्चों एग्जाम्पल नंबर फिफ्टीन में एग्जाम्पल नंबर फिफ्टीन में क्या है इन हाउ मेनी वेज कैन फोर रेड फोर रेड थ्री येलो एंड टू ग्रीन डिस्क बी अरेंज्ड इन अ रो इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग इसका क्या मतलब है कि हमारे पास फोर रेड डिस्क है और थ्री येलो डिस्क है एंड टू ग्रीन डिस्क है ठीक है हमारे पास फोर रेड थ्री येलो एंड टू ग्रीन अब क्या बोल रहा है कि तुम इन कितने हो गए डिस्क कितने हो गए टोटल फोर प्लस थ्री सेवन प्लस टू नाइन डिस्क हो गए इसको बोल सकता है कि बोल रहा है कि ये इन नाइन डिस्क को तुम कितने पॉसिबल वे में अरेंज कर सकते हो अब अगर ये जो फोर डिस्क है ना ये इन डिस्क इनडिसबल है इसका मतलब क्या है कि ये जो चार रेड जो डिस्क है ये बिल्कुल एक जैसा है ये डिफरेंट नहीं है मतलब अगर चार मैंने रेड डिस्क लिया ना तो चारों रेड डिस्क बिल्कुल एक जैसा बिल्कुल सेम है ये जो थ्री येल्लो डिस्क है ये बिल्कुल सेम है एक जैसा है और ये जो टू ग्रीन डिस्क है ये भी बिल्कुल एक जैसा है तो बताओ इन नाइन डिस्क को तुम कितने पॉसिबल वेज में अरेंज कर सकते हो तो बहुत सिंपल एक लाइन में आंसर है टोटल कितने डिस्क है टोटल नाइन डिस्क है इसका मतलब टोटल नाइन डिफरेंट ऑब्जेक्ट नाइन ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स है डिफरेंट नहीं टोटल नाइन ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें फोर ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहा है क्यों बिकॉज फोर जो डिस्क है फोर रेड डिस्क है वो तो सेम टाइप का है अगर तुम चार रेड डिस्क को सामने रखोगे तो वो इनडिस्टिंगबल है इसका मतलब क्या है कि वो चारों बिल्कुल सेम टाइप का दिख रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि टोटल नाइन ऑब्जेक्ट हैं जिसमें फोर ऑब्जेक्ट एक टाइप का है थ्री ऑब्जेक्ट दूसरे टाइप का है एंड टू ऑब्जेक्ट फिर एक दूसरे टाइप का है तो मतलब ऐसे बोलो कि फोर ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहा है थ्री ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहा है टू ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहा है तो कितने परमुटेशन होंगे नाइन फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल बस यही होगा तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ये तो डायरेक्ट फॉर्मुला पुटिंग है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट या परमुटेशन क्या होगा होगा नाइन फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल इसको सॉल्व कर लो सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल अपॉन ये हो गया फोर फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल क्या होता है सिक्स होता है टू फैक्टोरियल क्या होता है टू होता है तो ये फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल कैंसिल ये सिक्स सिक्स कैंसिल और ये टू फोर जै एट तो हमें क्या मिल गया नाइन इंटू फोर इंटू सेवन इंटू फाइव क्या हो गया थर्टी सिक्स इंटू थर्टी फाइव थर्टी सिक्स इंटू थर्टी फाइव क्या होगा वन टू सिक्स जीरो हमारा आंसर हो गया ठीक है ये हो गया बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर फिफ्टीन अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर सिक्सटीन में अब आ जाओ बच्चों एग्जाम्पल नंबर सिक्सटी में एक्जाम्पल नंबर सिक्सटीन में क्या बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस ठीक है सबसे पहले बोल रहा है कि इंडिपेंडेंस जो लेट वर्ड है इसके लेटर का अरेंजमेंट लिखो बताओ कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं ठीक है उसके बाद क्या बोला इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ बी बोला है कि इस जब हम लोग इंडिपेंडेंस वर्ड के लेटर का अरेंजमेंट लिखेंगे तो इस तो उन अरेंजमेंट में ऐसे कितने अरेंजमेंट्स होंगे जिसका पहला लेटर पी से स्टार्ट हो रहा हो ये बताओ जब इसको हम क्या करेंगे ऑल पॉसिबल वे में अरेंज करेंगे तो ऐसा भी अरेंजमेंट होगा ना जिसका पहला लेटर पी से स्टार्ट हो रहा हो तो वो बताओ कितने ऐसे अरेंजमेंट्स हैं उसके बाद बोला डू वॉवल्स अकर टूगेदर जब सारे वॉवल्स क्या हो इकट्ठे हो तब बताओ कितने अरेंजमेंट्स होंगे डू ऑल वॉवल्स नेवर अकर टूगेदर जब सारे बॉबल्स क्या हो आपस में इकट्ठे नहीं हो तब बताओ कितने अरेंजमेंट्स होंगे उसके बाद क्या बोला है डू द वर्ड्स बिगिन विथ आई वर्ड क्या हो आई से बिगिन करे और एंड करें पी से तो ऐसे सोचो जब हम इंडिपेंडेंस ये जो वर्ड है इसके लेटर को ऑल पॉसिबल वे में अरेंज करेंगे तो सारे पॉसिबल केसेस आ जाएंगे ना वो भी केस आ जाएगा जिसमें सारे वॉवेल्स इकट्ठे हों वो भी केस आ जाएगा जिसमें सारे वॉवल्स इकट्ठे ना हो वो भी केस आ जाएगा जिसमें वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा हो पी से वो भी केस आ जाएगा जिसमें वर्ड में क्या हो स्टार्ट हो आई से और एंड हो पी से तो वो सारे आ जाएंगे अगर मैं इसको ऑल पॉसिबल वे में अरेंज करूँ तो सारे केसेस आ जाएंगे अब बोल रहा है कि वो केस बताओ पार्टिकुलर वो अरेंजमेंट बताओ जिसमें वर्ड स्टार्ट हो रहा हो पी से वो अरेंजमेंट बताओ वो अरेंजमेंट बताओ जिसमें बॉबेल से इकट्ठे हों वो अरेंजमेंट बताओ जिसमें बॉबल से इकट्ठे नहीं हो या फिर वो अरेंजमेंट बताओ जिसमें वर्ड हमारा स्टार्ट किससे हो रहा हो आई से और एंड किससे हो रहा हो पी से तो स्टार्ट करते हैं डू द और डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी वर्ड किससे स्टार्ट होना चाहिए पी से उससे भी पहले इंडिपेंडेंस जो लेटर है इसको एक बार मैं दोबारा लिखता हूँ नेक्स्ट पेज में देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या बोला है सबसे पहला क्वेश्चन तो यह बोला है कि देखो सॉल्यूशन इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस पहले बताओ टोटल कितने लेटर्स है टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व तो टोटल हमारे पास ट्वेल्व लेटर्स है इन ट्वेल्व लेटर्स में तुम ऐसे देखो कि कितने जो हमारे पास एन जो है ये देखो एन कितनी बार रिपीट हो रहा है एक तो यहां एन है एक यहां एन है एक यहां एन है तो हमारे पास एन जो है वो थ्री टाइम्स है तो इसको तुम ऐसे कर सकते हो कि थ्री एन है उसके बाद क्या रिपीट हो रहा है ई कितने बार है एक दो तीन चार फोर ई है उसके बाद क्या रिपीट कर रहा है डी एक दो हमारे पास डी कितने टाइम्स है टू टाइम्स तो टू डी है हमारे पास उसके बाद और कोई रिपीट कर रहा है और कोई नहीं रिपीट कर रहा है वन आई हमारा एक है वन आई है उसके बाद डी भी हो गया दो बार रिपीट कर रहा है उसके बाद वन पी है ये भी हो गया आई भी हो गया उसके बाद क्या बचा एक सी है तो टोटल कितने हो गए फोर प्लस थ्री सेवन प्लस टू नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व लेटर्स हो गए सबसे पहले तो बोल रहा है कि इन ट्वेल्व लेटर्स को ऑल पॉसिबल वे में जब आप अरेंज करोगे तो बताओ टोटल कितने परमोटेशन होंगे स्टार्टिंग क्वेश्चन में तो यही बोल रहा है क्वेश्चन में यही बोल रहा है ना ये बोल रहा है ना फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस पहले बोल रहा है कि बताओ कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताओ इस लेटर का तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट हम लोग सबसे पहले निकालते हैं तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होगा इसको ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस ये क्या होगा एट फैक्टोरियल सॉरी टोटल कितने ट्वेल्व फैक्टोरियल उसमें रिपीट कितना कर रहा है एन थ्री टाइम्स तो थ्री फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया ई e कितने टाइम्स रिपीट कर रहा फोर टाइम्स तो फोर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया डी कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है टू टाइम्स तो टू फैक्टोरियल से divide, ये डिवाइड कर दिया अब उसको तुम कैलकुलेट करोगे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आ जाएगा ये तुम्हें वन सिक्स सिक्स थ्री टू डबल ज़ीरो आ जाएगा ठीक है तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया जो स्टार्टिंग में बोला है कि इंडिपेंडेंस जो हमारा वर्ड है इसको कितने वे से तुम परम्यूट करा सकते हो तो उसका तो आंसर ये हो गया अब आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं हमसे फर्स्ट पार्ट में आते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी वर्ड किससे स्टार्ट होना चाहिए पी से तो हमने क्या किया टोटल कितने लेटर्स हैं टोटल ट्वेल्व लेटर्स हैं देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व ऐसे ट्वेल्व बॉक्स बना लिया यहाँ पे ले जाके पी फिक्स कर दिया अब अगर हमने यहाँ पे पी फिक्स कर दिया तो बाकी कितने बच गए यहाँ पे कितने बॉक्स बच गए ये एलेवन बॉक्सेस बच गए अब इस एलेवन बॉक्सेस में हमें एलेवन लेटर्स को अरेंज करना है उस एलेवन लेटर में इस बात को ध्यान में रखना है कि ये वन जो पी हमने फिक्स किया है ये तो एक ही पी था दो पी तो था नहीं वन ही पी अवेलेबल था तो वो यहाँ पे फिक्स हो गया अब ये जो एलेवन बॉक्सेस बचे इसको हमें क्या करना है एलेवन लेटर्स को फिल करना है उस एलेवन लेटर्स में से जो एन है वो थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है फोर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है सॉरी ई e कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है फोर टाइम्स और डी कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है टू टाइम्स इस बात को ध्यान में रखना है पी को हमने बोल रहा है ना कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी तो पी हमने एक्सट्रीम लेफ्ट में ले जाके फिक्स कर दिया इसको हमने फिक्स कर दिया अब ये एलेवन बॉक्सेज में हमें क्या करना है एलेवन लेटर्स को अरेंज करना है जिसमें एन थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है ई फोर टाइम्स रिपीट हो रहा है डी टू टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हमारा क्या होगा नंबर ऑफ परमोटेशंस क्या हो जाएगा विच वर्ड स्टार्ट विथ पी ये क्या हो जाएगा इलेवन फैक्टोरियल पी तो फिक्स कर दिया अब हमें इलेवन लेटर्स को अरेंज करना है तो टोटल कितने लेटर्स है इलेवन तो इलेवन फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा ये थ्री फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल ये हमारा आंसर हो गया इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा वन थ्री एट सिक्स जीरो जीरो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का हो गया आंसर ये अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है सेकेंड पार्ट में बोल रहा है डू द वॉवल्स ऑलवेज अ कट टूगेदर वॉवल्स हमेशा इकट्ठे होना चाहिए ठीक है तो फिर वही इससे पहले अभी हमने जो क्वेश्चन किया था ना एग्जाम्पल नंबर फोर्टीन में जो डॉटर वर्ड को हमने क्या किया था वोवेल्स ऑलवेज अकर टूगेदर सेम लॉजिक लगेगा इसमें वोवेल्स क्या है एवेल्स -E तो इसमें देखो ये जो इंडिपेंडेंस है हमारा इंडी इसमें देखो फोर ई e है और ई e भी हमारा वॉवेल है इसमें देख लो 4e है ना और e हमारा क्या वोवेल है और n तो वोवेल नहीं है d भी वोवेल नहीं है बट एक i भी वोवेल है तो इसका मतलब कि टोटल इसके अंदर कितने वोवल्स है टोटल इसके अंदर 5 वोवल्स है टोटल 5 वोवल्स है तो हमने क्या किया जो हमारे पास 4 वोवल्स है 4 ये 5 वोवल्स है जिसमें चार e है और एक i है इसको हमने एक बॉक्स बना लिया ठीक है इसको हमने एक लेटर बोल दिया अब अगर इसको हमने एक लेटर बोला तो टोटल कितने लेटर्स वह है हमारे पास ट्वेल्व लेटर्स है टोटल टोटल तो इसके ट्वेल्व लेटर्स है ना इसमें तो इसमें से हमने पाँच लेटर को बाहर निकाल दिया तो कितने लेटर बचे ट्वेल्व माइनस फाइव लेटर बचे इसका मतलब क्या हो गया सेवन लेटर बचे टोटल कितने बच गए सेवन लेटर बच गए अब इस सेवन लेटर तो बच गए जब हमने इस फाइव को बाहर निकाला तो टोटल सेवन लेटर बच गए अब इस ब्लॉक को हमने एक लेटर बोल दिया तो अगर इस ब्लॉक को एक लेटर बोला तो अब कितने लेटर हो गए अब एट लेटर हो गए जब हमने 12 लेटर में से ये 5 लेटर बाहर निकाला तो हमारे पास सेवन लेटर बच गए ये पांच लेटर तो अभी भी बाहर है इसको हमने एक लेटर बोल दिया तो हमारे पास अब कितने लेटर बच गए एट लेटर बच गए अब एट लेटर को तुम कितने वे से अरेंज कर सकते हो एट फैक्टोरियल वे से अपॉन ये क्या होगा जो एट लेटर बचा हमारे पास उसमें ये जो एन है वो थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है और डी कितने रिपीट हो रहा है टू टाइम्स रिपीट हो रहा है तो ये थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल मेरी बात को समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं टोटल जो एट लेटर बचा ना एट में क्या होगा ऐसे होगा ना जैसे ये ई निकल गया तो हमारे पास क्या बचा होगा आई एन एक में ये बच गया फोर टाइम्स सी उसके बाद डी पी एन डी अच्छा आई भी निकल गया है तो एन हो गया डी पी एन डी सी देख लो कितने अब लेटर्स हो गए यहाँ हो गया फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन एक और बच रहा है एन कितनी बार रिपीट है दो बार आई निकल गया हमारा एन हो गया डी डी P हो गया ई e तो हो गया फिर एन हो गया फिर डी हो गया फिर एक और एन है अब देख लो टोटल कितने हो गए इसको तो हमने एक लेटर बोला अब बाकी इसको हटा दिया अगर मैं इसमें से ई e हटा दूँ, ये ई e हटा दूँ, ये ई e हटा दूँ, और एक ये ई e हटा दूँ, एक आई हटा दूँ। इन सारे को हटा दू तो टोटल कितने हट गए इनको हटा दोगे तो क्या बचेगा एन डी पी देख लो एन डी पी एन डी एन सी एन डी पी एन डी पी एन डी एन सी एस सी एन बोल लो ठीक है तो ये हमारे पास बचा हुआ लेटर हो गया यहाँ से यहाँ तक उसमें एक ये ऐड कर दिया एक्स्ट्रा तो टोटल कितने लेटर्स हो गए एट लेटर्स हो गए अभी तक इसको हम क्या मान रहे हैं अभी तक इसको हम एक ही लेटर सिंगल लेटर मान रहे हैं तो अब देखो कितने लेटर्स हो गए टोटल एट लेटर्स हो गए इन एट लेटर्स में जो हमारा एन है वो कितनी बार रिपीट कर रहा है तीन बार तो तीन फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया और उसके बाद क्या हमारे पास डी कितनी बार रिपीट कर रहा है टू बार टू टाइम्स तो टू फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया

है जो रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाई फोर फैक्टोरियल यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया ये हमारा रिक्वायर्ड परमोटेशन हो गया रिक्वायर्ड परमोटेशन बोलो या रिक्वायर्ड अरेंजमेंट बोलो ठीक है ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट अब आते हैं थर्ड में थर्ड में क्या बोल रहा है कि डू द वॉवल्स नेवर अकर टूगेदर वॉवल्स क्या होने चाहिए कभी भी इकट्ठे नहीं आने चाहिए 35 के बाद ये आते आते हैं हैं में में तो उसके लिए क्या क्या है तुम इसको ऐसे देखो total number of permutation कितने थे वो already मैंने first में निकाला था total number of permutation क्या हो जाएगा यही था ना सॉरी ये था टोटल नंबर ऑफ परमोटेशन इसमें से तुम उस परमोटेशन को हटा दो जिसमें वॉवल्स अकर टुगेदर ये भी हमने अभी निकाला है वॉबल्स अकट टुगेदर ये निकाला है टोटल परमोटेशन ये है इसमें से इसमें से इसको हटा दो सब्ट्रैक्ट कर दो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा क्या हमारा प्रमोटेशन इन विच वॉबल्स डू नॉट अकट टुगेदर समझ में आ रही है बात तो इसको हम कैसे लिखेंगे इसको हम ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच वॉवल्स डू नॉट अकर कट टूगेदर यह किसके इक्वल होगा टोटल नंबर ऑफ परमोटेशन में से माइनस करना हमें क्या नंबर ऑफ परमोटेशन इन विच वॉवेल्स अकर टूगेदर टोटल कितने परमोटेशन है टोटल परमोटेशन यहां हमने निकाला है ये ट्वेल्थ फैक्टोरियल इंडिपेंडेंस को अगर तुम ऑल पॉसिबल वे में अरेंज करोगे तो टोटल कितने परमोटेशन हो जाएंगे ट्वेल्व फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल माइनस इन विच बॉवेल्स डू नॉट अकट टूगेदर ये है इसको सब्ट्रैक्ट करना है एट फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल इंटू फाइव फैक्टोरियल बाई फोर्थ फैक्टोरियल ये हमारा आंसर हो जाएगा अब इसको सॉल्व कर लो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसको सॉल्व कर लो अब सॉल्व कैसे करोगे वो तो आता होगा सॉल्व करोगे तो क्या होगा इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ मैं अभी देख के ही आंसर बता रहा हूँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ वन सिक्स फोर सिक्स फोर डबल ज़ीरो ये नंबर ऑफ परमोटेशंस आ गए जिसमें बॉबल्स इकट्ठे नहीं आएंगे ये हमारा आंसर हो गया ठीक है ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट में फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है फोर्थ पार्ट में हमें बोल रहा है कि डू द वर्ड बिगिन विथ आई एंड एंड इन पी एंड इन पी टोटल कितने लेटर्स थे ट्वेल्व लेटर्स थे बना लेते हैं बारह बॉक्स एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह बॉक्स बना लिया अब बोल रहा है कि उन परमोटेशन को फाइंड आउट करो जिसमें वर्ड किससे स्टार्ट होने चाहिए वर्ड स्टार्ट होने चाहिए आई से और एंड किससे होने चाहिए पी से तो हमने आई को पहले फिक्स कर दिया और पी को पहले फिक्स कर दिया वर्ड क्या हमारे पास वर्ड है हमारे पास इंडिपेंडेंस ये हमारे पास वर्ड है इंडिपेंडेंस इस इंडिपेंडेंस वर्ड में टोटल हमारे पास क्या है ई e कितने टाइम्स है एन जो है हमारे पास थ्री एन है एंड फोर ई है एंड टू डी है ठीक है उसके बाद क्या बाकी सब अलग अलग है यही है ना वन पी वन वन पी वन आई एंड वन सी टोटल कितने लेटर्स है ट्वेल्व लेटर्स है टोटल ट्वेल्व लेटर्स है अब तुम इसको ऐसे देखो यहां पे हमने आई फिक्स कर दिया यहां पे हमने पी फिक्स कर दिया तो टो टोटल कितने बीच में कितने बॉक्स बचे टोटल बीच में टोटल तो हमारे पास ये ट्वेल्व लेटर्स है इंडिपेंडेंस में टोटल क्या है ट्वेल्व लेटर्स है तो दो लेटर तो फिक्स हो गया तो बीच में ये कितने बॉक्सेस बचे ये बचे टेन बॉक्सेस अब इन टेन बॉक्सेस में हमें क्या करना है टेन लेटर को अरेंज करना है बट ध्यान में क्या रखना है ध्यान में हमें ये रखना है कि आई एक निकल गया एक पी निकल गया आई भी सिंगल था आई भी एक टाइम रिपीट हो रहा था या आई भी सिंगल था और पी भी सिंगल था तो ये दोनों तो निकल गया बाकी हमारे पास जो टेन लेटर बचा उस टेन लेटर में थ्री तो एन है फोर ई e है एंड टू डी है एंड वन सी है देख लो फोर प्लस थ्री सेवन सेवन प्लस टू नाइन प्लस वन टेन ठीक है आई और पी ये दोनों एक एक था जिसको हमने फिक्स कर दिया तो अब इन टेन बॉक्सेज में हमें टेन लेटर्स को क्या करना है अरेंज करना है जिसमें थ्री लेटर रिपीट हो रहा है थ्री एन रिपीट हो रहा है फोर ई रिपीट हो रहा है एंड टू डी रिपीट हो रहा है तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेस्ट क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएगा बाकी ये टेन बॉक्स बचे हैं ना इन टेन बॉक्सेज में हमें टेन लेटर को रिपीट ये है. क्या करना है अरेंज करना है जिसमें थ्री एन रिपीट हो रहा है मतलब एन थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है ई फोर टाइम्स रिपीट हो रहा है और डी टू टाइम्स रिपीट हो रहा है तो कितने हो जाएंगे टेन फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल ये थ्री फैक्टोरियल कहाँ से आया बिकॉज एन थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है उसके बाद फोर फैक्टोरियल ये फोर फैक्टोरियल कहां से आए बिकॉज ई फोर टाइम्स रिपीट हो रहा है अपॉन टू फैक्टोरियल ये टू फैक्टोरियल कहां से आए बिकॉज डी टू टाइम्स रिपीट हो रहा है तो ये आंसर हो गया इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा वन टू सिक्स डबल जीरो ठीक है ये हमारा आंसर हो गया ये तो ये हो गया हमारा कौन सा एग्जाम्पल नंबर सिक्सटीन भी कंप्लीट समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में लास्ट में क्या बोल रहा है कि उन अरेंजमेंट्स को लिखो जिसमें आई से वर्ड क्या हो स्टार्ट हो और पी से एंड हो तो आई से स्टार्ट हो पी से एंड हो तो आई को हमने पहले फिक्स कर दिया पी को बाद में फिक्स कर दिया बीच में टेन बॉक्सेस बचे टेन बॉक्सेस में टेन लेटर डालना है जिसमें एन थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है फोर क्या कर रहा है तो ये ई फोर टाइम्स रिपीट हो रहा है और डी टू टाइम्स रिपीट हो रहा है ठीक है तो टोटल टेन बॉक्स है टेन लेटर्स है तो टेन फैक्टोरियल ये तो, तो फिक्स कर दिया ना इसको तो चेंज ही नहीं करेंगे इसको तो फिक्स कर दिया टेन बॉक्स है इसको तुम कैलकुलेट आई थिंक ये फैक्टोरियल तो कैलकुलेशन करना आ गया होगा इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा ट्वेल्व थाउजेंड सिक्स हंड्रेड जो कि हमारा आंसर है मतलब ट्वेल्व थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ऐसे प्रमोटेशन होंगे ट्वेल्व थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ऐसे प्रमोटेशंस होंगे जिसमें जो जिसमें या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ट्वेल्व थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ऐसे वर्ड्स होंगे जो आई से स्टार्ट हो रहे होंगे और पी से एंड हो रहे होंगे ठीक है बच्चों ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर सिक्सटीन भी कंप्लीट। अब आते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री सॉल्व करेंगे